तो राजनीति वाला जो अपनी सरकार से भी तो राजनीति वालों का होता है, हमारा तो हम तो पैदल चल के अपने क्षेत्र से जाके काम करने वालों में से है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मैंने कल्पना नहीं की होगी, मैं बहुत गाँव में जाता हूँ, बहुत सारे देश के किसी में जाता हूँ, लेकिन ऐसा सरकार और ऐसा स्वागत शायद पहली बार हुआ है। तो अपने लिए जोर से तालियां बजाओ और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में बताया, कॉमन सर्विस सेंटर क्या है और कैसे काम करता है। हमारे कुछ सहयोगियों ने आपसे संबोधन किया, बताया, समझाया। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर संस्कृत भाषा में हर एक आदमी का सशक्तिकरण करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है। जो जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी मदद करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे अपने आप फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल और कॉलेज में बच्चियां नहीं जा पाती, उनकी मदद कोई नहीं करता। हमारे सिस्टम में उनकी मदद नहीं, शायद आपको मालूम नहीं है, इस देश में सिर्फ 30% बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बारहवीं क्लास पढ़ने के बाद 70% कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, उनकी मदद कोई नहीं कर पाता है। आज फॉर्चुनेटली तो मांग है कि गवर्नमेंट सर्विस सेंटर उन सबकी मदद करेगा और उन सबकी मदद करने के लिए तत्पर है जो बच्चे वीक है, कमजोर है, स्कूल में फेल हो जाते हैं और हाँ थोड़ा सा मेहनत नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे को स्कूल ज्यादा नहीं दिया जाता है, उन सबकी मदद करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर। तो कॉमन सर्विस सेंटर बच्चों और बच्चियों को क्लास 3, 5, 8, 10 और 12 की परीक्षा में पढ़वाता है, एडमिशन दिलाता है और सफल कराता है। ये कॉमन सर्विस सेंटर का मकसद है। तो कॉमन सर्विस सेंटर एक आंदोलन है, स्कीम और प्रोग्राम नहीं। और वो आंदोलन का स्वरूप आज आपने देखा, इतने सारे बच्चे जुड़े थे, इतने सारे बच्चे मेहनत करके, उसे तो इंकलाब जिंदाबाद भी बोला। वो एक्चुअली भी कॉमन सर्विस सेंटर ही इंकलाब जिंदाबाद है। अपने देश में गरीब महिलाएं जो जो बेचारे गाँव में रहते हैं, उनको कैसे सशक्त किया जाए, उनको शहर वालों से बराबर कैसे किया जाए, ये कॉमन सर्विस सेंटर का मकसद है। तो हमारे साथ बहुत सारे उदाहरण है, हमारे 4.5 लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर है देश में और 70,000 के करीब महिला चलाती है और वो महिला बहुत अच्छी है। जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर की महिला है बहुत चलाती है। एक तो यही बैठी है किरण सोनी, बहुत अच्छा सेंटर चलाती है, इस बात की है, मेहनत की है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे ही हमारी भावना पालीवाल जो राजस्थान में है, लगा उन्होंने इतना मेहनत करके गांव के परिवेश में जाकर के लोगों की मदद की और अपने लिए व्यवसाय इकट्ठा शुरू किया। दैट इज कॉमन सर्विस सेंटर। तो कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाए, उनको नौकरी देने वाला बनाए, नौकरी देने वाला, और उसके हर एक बच्चे के सेंटर पे, जैसे किरण सोनी के सेंटर पे 5 बच्चे काम करते हैं तो 5 लोगों को नौकरी मिली। हमारा एक बच्चा वहां पर अलवर में है, उसके यहाँ 15 बच्चे काम करते हैं, 5 तो लड़के हैं, तो वो काम नौकरी देते हैं। आज डिजिटल युग में ये संभव है कि हम गांव में बैठ के लोगों को नौकरी का रोजगार का धंधा शुरू करा सकते, वहां जाने की जरूरत ना पड़े, ये जल्दी संभव है। और यही कॉमन सर्विस सेंटर का मकसद है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सशक्त करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। जो हमारा सपना है, जो भारत सरकार का सपना है, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही है कि हर गांव में हर बच्चा, बच्चा पुरुष और महिला को वो सब मिले जो शहर वालों को मिलता है। और ये सब कुछ संभव है। आपको किसी के, कई बार गाँव वालों को लगता है कि शहर शहर वाले अच्छे हैं, शहर वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये नहीं है। शहर और गाँव वाले बच्चों के दिमाग बिल्कुल एक जैसे है, बल्कि मेरे हिसाब से तो गाँव के बच्चों के दिमाग ज्यादा अच्छे हैं शहर वालों से पढ़ने में। सिर्फ परिवेश नहीं, इसमें अगर रिकॉर्डिंग कर रहे वो हैं परिवेश हम उनको दिलाते हैं तो बच्चे लाइव। शहर वाले बच्चों से ज्यादा अच्छा करते हैं। और ये संभव है, सिर्फ परिवेश नहीं मिला, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए घर डॉक्टर से वालों ने बहुत अलाउ प्रॉब्लम नहीं है, किया, साफ उसमें डॉक्टर से जो, बहुत तो हम प्रॉब्लम कॉमन सर्विस सेंटर में यही करते हैं, गाँव वाले बच्चों की मदद करते हैं, गाँव वाली बच्चियों की मदद करते हैं, ताकि वो अपने आप में वो सारी चीजें ले सके, वो सारी चीजें उनको मिल सके जो शहर वाले बच्चे और बच्चे को मिलती है, वो कॉमन सर्विस सेंटर। और आज क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, संभव है, तो ये संभव है सब कुछ। तो देश में जैसे मैंने बताया, हमारी सरकार का भी सपना है, उसका भी सपना है कि हम हर गांव में हर
व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाए, आत्मनिर्भर बनाए और इसे डिजिटल साक्षर। तो बहुत सारी महिलाएं हैं, सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, कंप्यूटर जरूर सीख लेना, कुछ भी करना है लेकिन कंप्यूटर सीख लेना। अगर आप स्कूल नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, फिर भी सीख लेना, बहुत आसान है, कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी में आपने पढ़ा नहीं तो वो भी आप सीख लेना, कल पापा से बोला था सुबह आप भी सीख लेना, सबको सिखा देना, अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर खरीद देना और उनको कंप्यूटर और छोटा मोबाइल फोन पे काम करने देना। देश बदलेगा, बहुत जरूरत है, आप उनको पीछे नहीं रख सकते। सारे देश में ये क्रांति है, तो आप अपने बच्चों को भी कंप्यूटर लगा देंगे, कोई लोन ले लेगा, मैं लोन दिला दूंगा, आप एक कंप्यूटर खरीद करके अपने बच्चे और बच्चे को पढ़ाना और खुद भी पढ़ना, बूढ़े आदमियों के लिए सबसे अच्छा है। जो सबसे बूढ़े हैं वो अकेला महसूस करते हैं। मैंने बहुत सारे शहर में बूढ़े लोगों को देखा है, सारा दिन अपने आप मोबाइल में बैठते हैं, हंसते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें आती है उनके मन में, कुछ देखते हैं और कुछ सुनाते हैं और कुछ सुनते हैं, उनका तो जीवन बदल गया। जहाँ बात करने के लोगों की कमी होती है, कंप्यूटर आपको वो सब दिलाता है जो शायद आपकी तुलना। अगर आपने कुछ करने की इच्छा है, खाना बनाने की इच्छा है, कपड़े सीने की इच्छा है, कुछ हाथ का काम करने की इच्छा है और कुछ अचार या कुछ बनाने की इच्छा है, तो वो भी आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने किस्म से बेच करके अपने लिए आमदनी जुगाड़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से महिलाओं का तो हो ही सकता है। पहले बताया हमारी 70,000 महिला है, आप मलान महिलाओं को देखोगे तो उनमें जो जोश और उमंग है, हमारा काम ही क्या है, हमारे जो सेंटर है वो सब कुछ करता है, बैंक का काम भी करता है, डॉक्टर का काम भी करता है, पढ़ाई का काम भी करता है और सरकार की सेवाएं भी देता है, पैन कार्ड, रेलवे टिकट, ट्रेन टिकट सब कुछ करता है और तो सामान भी बेचता है। तो ये सारा काम जो तो मल्टीटास्किंग बोलते हैं, और महिलाओं से अच्छा काम मल्टीटास्किंग कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि महिलाएं तो बहुत अच्छा है, बच्चे को भी पालती है, अपने जानवरों का ध्यान भी रखती है, अपने पति का भी ध्यान रखती है और परिवार का भी ध्यान रखती है और खेती भी करती है। तो मल्टीटास्किंग जो एक्टिविटी सीएससी के अंदर है वो महिलाओं से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं कर सकता। पुरुष तो एक तरीके से करता है, या तो वो नौकरी कर लेगा, उसके बाद बाकी काम नहीं आते उसको। तो मल्टीटास्किंग एक्टिविटी जो हमारी सीएससी में होती है वो काम महिलाएं कर सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़े। अभी आ रहे हम बहुत मकसद देंगे, हर गांव में एक महिला को, हर गांव में कम से कम एक महिला को कॉमन सर्विस के साथ जोड़ना है। 6 लाख गांव है देश में, अभी हमने 1 लाख महिलाओं को जोड़ा है और बाकी 5 लाख को भी हम जोड़ देंगे। आप तो क्या करेंगे, एक मोबाइल फोन एक बायोमेट्रिक डिवाइस देकर के आपको बैंक बना देंगे और आप बैंकिंग का काम करना, गाँव में किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, चाहे तो किसी का काम, और आपकी इनकम होगी और आपकी आमदनी होगी। आप बैंक देना, आप लोगों को छोटे छोटे लोन दिलाना, महिलाओं को, किसी को 5,000 10,000, तो गाड़ी खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, वो सब खरीदने के लोन दिलाना और फिर लोगों को पेंशन और सरकार की जो स्कीम है वो दिलाना, एंड यू विल बिल्ड बिजनेस अराउंड, आप अपने वहाँ एक अपना एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज बिजनेस भी चला सकते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पंचायत के लोग, पंचायत के सरपंच और कॉमन सर्विस सेंटर का जो समन्वय होना चाहिए, जो संगठन होना चाहिए, वो सीकर में आज देखा जा रहा है। एंड आपके जो ब्लॉक में आपके सरपंच इतने अच्छे हैं, इतने पैशनेट पीपल, मैं सारे देश में जाता हूँ, मैं तो यूपी बिहार तमिलनाडु सब जगह देखता हूँ, पंचायत प्रधान सबसे मुलाकात होती है, लेकिन आपके प्रधान और आपके सरपंच को नमस्कार और सलाम, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं। आप जैसे लोग सरपंच अगर सारे देश में बन जाए तो देश में देश ही बदल जाए, देश बदल जाए, सही बोल रहा हूँ। करने के लिए तो सामने के जो सरपंच है उनको सरपंच, पर वो पैशन, वो कुछ करने का जज्बा और गांव को सुधारने का जो चाहिए वो उसके अंदर है। इसी तरह यहाँ हमने देखा आकर के, क्या इतनी इच्छा, कुछ करना, गांव के लोगों की मदद करना, उनको ऊपर उठा करके बराबर करने का जो जज्बा है वो शायद राजस्थान में और सीकर जिले के सरपंच में है, मुझे नहीं मालूम दूसरी डिस्ट्रिक्ट के सरपंच शायद ऐसे बिहेव करते हैं या नहीं, लेकिन आप बिल्कुल यूनिक हो, आप बहुत अच्छे हो और हम आप सबको, मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम यहाँ जब पूरा कर देंगे सारे ब्लॉक में 56 पंचायत को पूरा डिजिटल, तो आप सबको दिल्ली बुलाएंगे और बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को आलाकी दिखाएंगे कि ये देश
ये देश का बदलाव का मॉडल, ये आपका ब्लॉक देश के लिए एक मॉडल बन गया। हम लोग डिजिटल मदद कर सकते, और गरीब बच्चों और बच्चियों की मदद कर सकते। थैंक यू सो मच।